नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। दोस्तों, अभी अभी बड़ी खबर आ रही है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। कार्यकर्ताओं को मिलेगी प्रिंटेड साड़ी, रजिस्टरों से मिलेगी मुक्ति और मध्य प्रदेश के 16 जिलों में टैबलेट बांटे गए हैं और अब शेष 35 जिलों में भी टैबलेट बांटने की प्रक्रिया विचाराधीन है। क्या क्या सुविधाएँ आंगनवाड़ी पे मिलने वाली है, इमरती देवी ने क्या कहा है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार इसके अलावा हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आगे आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे, इसलिए आप न्यूज़ टुडे जरूर जुड़ें सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक करके। तो चलिए देख लेते हैं, लेट्स गो। आशा कार्यकर्ताओं को रजिस्टर से मुक्ति मिलेगी। अलग अलग जानकारियों से संबंधित रजिस्टरों के बोझ से परेशान मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रदेश की कमलनाथ सरकार राहत देने जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कंप्यूटर टैबलेट बांट रही है। कंप्यूटर टैबलेट मिलते ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विभिन्न आयु वर्ग के बालक बालिकाओं, शिशुओं और कुपोषित बच्चे, गर्भस्थ महिलाओं आदि से संबंधित सभी जानकारियां टैबलेट में दर्ज कर ऑनलाइन विभाग को भेज सकेंगी। महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री श्रीमती इमरती देवी सुमन ने चर्चा में जानकारी देते हुए बताया कि विगत 2 महीनों में वह कई स्थानों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मिली। कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई थी। कार्यकर्ताओं ने रजिस्टरों का बोझ और काम करने की बात कही थी, जिस पर सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है कि सरकार अब तक 16 जिलों में इस तरह के टैबलेट बांट चुकी है, शेष बचे 35 जिलों में टैबलेट बांटे जाने की प्रक्रिया विचाराधीन है। सामुदायिक भवन में भी पहुँचेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जिनके पास अपने शासकीय भवन नहीं है तथा किराए के मकानों पर संचालित हैं, सरकार ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों को किराए के मकान से हटाकर सामुदायिक भवनों, मनोरंजन भवनों जैसे शासकीय भवनों में स्थानांतरित करेगी। यह प्रक्रिया अगले 1 माह में शुरू हो जाएगी। अधिकारी प्रतिमा करेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण। आंगनबाड़ी केंद्रों पर गड़बड़ी और कार्यकर्ताओं की अनुपस्थिति की शिकायतों के चलते अब सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रतिमा विभागीय मंत्री और प्रमुख सचिव से लेकर पर्यवेक्षक तक स्तर के अधिकारी को प्रतिमा किसी भी निर्धारित दिनांक को आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचकर निरीक्षण करना होगा। इसके लिए प्रतिमा सरकार तिथि तय करेगी। कार्यकर्ताओं और बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर CCTV कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति मशीन लगाई जाएगी। इसी प्रकार आवास भत्तों पर भी CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जिन्हें जिला कार्यालयों से जोड़ा जाएगा। कैमरा 1 घंटे भी बंद हो रहा है तो इसके लिए विभाग के जिला अधिकारी जिम्मेदार होंगे। गुलाबी हटेगी, कार्यकर्ताओं को मिलेगी प्रिंटेड साड़ी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ियों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के गणवेश के रूप में वर्तमान में गुलाबी रंग की साड़ी, जिस पर नील रंग की पट्टी होती है, अनिवार्य है। कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की शिकायत थी कि इस तरह की साड़ी में वह स्वयं को अपमानित महसूस करती हैं, इस कारण निर्धारित रंग की साड़ी की बाध्यता समाप्त की जाए। इस पर विचार करते हुए विभाग ने गुलाबी साड़ी के स्थान पर छापेदार साड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को देने का निर्णय लिया है। ठेकेदारों की दुकानों पर लगेंगे ताले। आंगनबाड़ियों में पोषण आहार के नाम पर खिचड़ी और दलिया पहुंचाकर अरबों रुपए का भुगतान कराने वाले ठेकेदारों की दुकानों पर जल्द ही ताले लगने वाले हैं। पोषण आहार तैयार करने के लिए विभाग प्रदेश में 7 फैक्ट्रियां बना रहा है। इनमें 1 फैक्ट्री देवास में बनाकर तैयार भी हो चुकी है, जबकि 6 और फैक्ट्री अगले 6 माह में बनकर तैयार हो जाएंगी। इन फैक्ट्रियों में उत्पादन शुरू होते ही ठेकेदारों का पर्दा बंद कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि आंगनबाड़ियों में बच्चे और गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार के नाम पर अब तक सरकार लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी। शासकीय फैक्ट्रियां शुरू होते ही इन ठेकेदारों की दुकानों पर ताले लग जाएंगे। विभागीय मंत्री श्रीमती इमरती देवी सुमन का कहना है कि पोषण आहार के नाम पर दलिया और सोयाबीन की खिचड़ी से कुपोषण नहीं मिट रहा था, इस कारण पोषण आहार का मेन्यू यानी सामग्री भी बदला जाएगा। स्थानीय स्तर पर विद्यालयों में मध्याह्न भोजन वितरण के साथ भोजन प्रदाय करने वाली व्यवस्था को भी अलग कर साझा चूल्हा से संचालित किया जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी हुई, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आंगनबाड़ी संबंधित कोई आपके पास विचार है तो वो भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आगे आपको ऐसी लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे, इसलिए आप न्यूज़ टुडे जरूर जुड़ें सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक करके वीडियो को देखने के लिए आपका